देखो बाद में पछतावा होगा अगर इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग के लिए बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज लाए हैं और मैं खुद प्रेजेंट भी हूँ। तो आप लोग को अब क्या चीज का दिक्कत होता है, जितने भी सारे लोग हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी लोग हैं, दोस्त जितने भी हैं, सबको खींच के लाओ, सबका ज्वाइनिंग होगा कंपनी में। सिर्फ और सिर्फ रूम का व्यवस्था का पैसा वगैरह लेकर के आना। देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली में अगर एक आदमी का हेल्प किया जाता है तो वैसे 10 आदमी यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं जो बेरोजगार है, तो सबका रूम का रेंट इतना ज्यादा कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे रूम जो है, रूम का व्यवस्था खुद कर लो, एक टाइम का खाना कंपनी दे रही है, चाय नाश्ता वगैरह चाय दे रही है, ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं सॉरी फॉर बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह दे रही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी आपको ऑप्शंस देती है तो आप चूकते क्यों हो। देखो अभी मैं भी प्रेजेंट हूँ तो आपको दिक्कत, वैसे तो मैं प्रेजेंट नहीं भी था तो भी दिक्कत नहीं, अभी तक बिना प्रेजेंटेशन के 80 लोग ज्वाइन कर चुके थे कंपनी में, फिर अभी ज्वाइनिंग तो कंटिन्यू चालू है, बरकरार है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सक्यूज करने वाले लोग नहीं चाहिए। रूम के रेंट के बारे में मैं खुल के बोलता हूँ कि भैया अपना रूम का पैसा लेके आना, रूम कंपनी नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर सपोर्ट करते हैं खोजने के लिए, रूम फाइंडिंग करने के लिए, ये सारी व्यवस्था आपको देखनी होगी। अब बोला जाएगा कि वीडियो में तो रूम फ्री बोला, किधर मैंने बोल दिया भाई कि रूम फ्री है, बताओ ना, रूम फ्री किधर भी मैं नहीं बोलता हूँ। रूम व्यवस्था कराया जाता है सुपरवाइजर टीम मैनेजमेंट की तरफ से, बाकी का प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। अब तो झूठ किधर भी नहीं है। तो यहाँ पे बातों को समझना है, कंपनी ऑन ड्यूटी फूडिंग देती है, खाना वगैरह उन्होंने एवरेज ठीक ठाक रहता है, यहाँ पे सब कुछ सही है और रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा नंबर है। तो जो भी आना चाहते हैं, छोटा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोग आ सकते हैं। देखिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए ये BBD का बोनस जो 20 अगस्त से पहले आप लोग ज्वाइन करोगे तो BBD का बोनस जो है 2500 रुपये आपको मिलेगा। पहले 15 अगस्त से पहले जो ज्वाइन किए उनको मिलेंगे 3000 रुपये तक मिलेंगे, लेकिन 20 अगस्त से पहले ज्वाइन करेंगे उनको 2500 मिलेगा। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है मलूर बेंगलोर के लिए, आप लोग को पता ही होगा हम बैंगलोर में प्रेजेंट है तो मलूर बैंगलोर के लिए जॉब सेम 1000 कैंडिडेट का नीडेड है, 1000 लोग चाहिए यहाँ पे कंपनी में, उससे भी ज्यादा चलेगा। बैंगलोर में बहुत सारे लोकेशन में भी भर्ती है लेकिन मलूर में ही अभी पर्सनली हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस लॉजिस्टिक कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट वेयर हाउस लॉजिस्टिक कंपनी में काम है, डेजिग्नेशन में है वेयर हाउस एसोसिएट है। वर्क प्रोफाइल इसमें है पिकर्स है, पैकर्स है, सॉर्टर्स है, रिसीवर है, ट्रांसपोर्टर है, पुटर है, लोडर अनलोडर से, इतने सारे प्रोफाइल पे काम होगा। तो ये वर्क प्रोफाइल होने वाला है, ड्यूटी जो है 9 घंटे की शिफ्टिंग है और महीने में अब 26 दिन का काम होगा, तो 9 घंटे का काम है महीने में 26 दिन का काम होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। तो यहाँ पे काम जो है 9 घंटे और 26 दिन का दिक्कत वाली बात नहीं। जो 10th पास है, जो 12th पास है, अब ये वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, 10वीं पास है, 12वीं पास है, कितना भी अच्छा इंग्लिश पढ़ने लिखने आता क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ पे आके स्मार्ट नहीं बन सकते। कहोगे कि मुझे सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट दिलाओगे तभी काम करूंगा, मत आओ आप कंपनी में, आपका कोई भर्ती नहीं होगा। यहाँ पे स्मार्टनेस नहीं चलता है, दिमाग चलता है, पेशेंस चलता है, ये सब चलता है। आप स्मार्ट बनोगे यहाँ पे आके तो कंपनी आके जो एचआर है ना, जो एचआर है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट नहीं बनने की जरूरत है, जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट होता है, सॉल्व होता है, समझने का देर होता है, नहीं समझोगे आपकी भूल चूक है, फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो काम है 10th 12th रहेंगे उनको असिस्टेंट का काम मिलेगा, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बेसिक इंग्लिश उनको पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है, बोलने भी आता है, उनको सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा, उनको सीनियर असिस्टेंट का काम मिलेगा। तो बात को समझिए, पहले 12th पास को भी लगाए थे सीनियर असिस्टेंट के प्रोफाइल पे, बट उसका लिमिटेड वैकेंसी हो गया, अब सबको सीनियर असिस्टेंट ही लगा देगा, तो फिर असिस्टेंट के पोस्ट पे कौन काम करेगा, कौन पिकर पैकर लोडर अनलोडर कौन करेगा, फिर सबको करना होगा ना। यहाँ पे देखिए 9 घंटे और 26 दिन का काम है, लोकेशन इसका मलूर बेंगलोर कर्नाटका में है, तो जॉब का लोकेशन जो रहेगा मलूर बेंगलोर कर्नाटका में, ये जॉब का लोकेशन रहेगा मलूर बेंगलोर कर्नाटका में, ये वैकेंसी रहेगा। 1000 वैकेंसी है, यानी कि 1000 लोगों का रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट का हायरिंग है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहेगा, लड़के लड़की सब कोई कर सकते हैं, अगर कोई कपल्स आना चाहता है वो भी काम करने वाले हैं। तो कपल्स के लिए सिस्टम अलग है कि वो रूम का पैसा फिर उनको 5 से 6000 रुपये कॉस्टिंग पड़ेगा, ये बात सोच लीजिए, क्योंकि कपल्स वाले रूम में दो ही लोग रहेंगे,
10 लोग नहीं रहेंगे, 6 लोग नहीं रहेंगे, 5 लोग नहीं रहेंगे, तो रेंट भी वही 2 लोग को पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 10th 12th ग्रेजुएशन है उनको जॉब्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई 10th फेल भी है लेकिन उसको इंग्लिश बेसिक पढ़ने लिखने आता है, कोई इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लिख लेता है, तो वो चल जाएगा, वो इंटरव्यू में उसको निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये जो है इस पर लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट को पढ़ने आना चाहिए कि हाँ चलो पढ़ लिया, बात खत्म। तो कोई बिहार झारखंड से आएगा तो वो सीधा मेन रेलवे स्टेशन SMBT बेंगलोर का टिकट करेगा, उसके बाद में SMBT बेंगलोर का टिकट करने के बाद में उसको आना है मलूर रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन पकड़ के वो मलूर रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ से बस पकड़ के मलूर BTS आएगा उसका, और उसके बाद सुपरवाइजर गाइडेंस करेंगे, हम भी रहेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सैलरी इसका जो बेसिक है, ध्यान से सुनिए, बेसिक सैलरी 9 घंटे का टोटल 16,500 आता है, वो कैसे आता है बताता हूँ, यहाँ पे सुनिए, बेसिक सैलरी है 13,088, 600 रुपये का एडवांस बोनस, 500 रुपये का अटेंडेंस बोनस, 1,000 रुपये का लीव इन्हांसमेंट, 120 रुपये नाइट अलाउंस है, 13 दिन नाइट करोगे तो टोटल मिला करके 16,500 रुपये 9 घंटे 26 दिन का इनहैंड आएगा, जिसमें नाइट शिफ्ट अलाउंस इंक्लूड है, लीव इन्हांसमेंट इंक्लूड है, अटेंडेंस बोनस इंक्लूड है, एडवांस बोनस इंक्लूड है, तब जा करके आता है 16,500 रुपये इनहैंड PF ESIC काटने के बाद में। 9 घंटा और 26 दिन का टोटल पेमेंट 16,500 आएगा बिना ओवर टाइम लगा के। 45 रुपए प्रति घंटा ओवर टाइम अभी चल रहा है और रोज 1 घंटे ओवर टाइम मिलेगा, उस हिसाब से अगर देखो तो 3700 कुछ रुपए ओवर टाइम से बनेगा, 2 घंटा मिलना चालू होगा और BBD चालू होगा, उस समय 3-3, 4-4 घंटे OT मिलते हैं, उस टाइम में बहुत काम होता है, तो 3-4 घंटे ऐसे करके OT मिलता है तो बहुत अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। 1 सप्ताह बाद रेगुलर 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, जब कंपनी में सब कुछ जान जाओगे, वेयरहाउस डिपार्टमेंट देख लोगे तो बहुत अच्छा खासा OT मिलेगा। टोटल अर्निंग इंक्लूडेड है, 20,000 से 23,000 रुपए तक आपका पेमेंट्स बनेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन ड्यूटी फूड है, टी है, स्नैक्स प्रोवाइडेड फ्री है, तो यहाँ पे एक टाइम का खाना, चाय ना, जो बिस्किट स्नैक्स ये सब कंपनी की तरफ से मिलेगा। आप देखो रूम कंपनी के साइड से नहीं है, ये हमसे हजार बार भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा रूम कंपनी के साइड से नहीं है, सुपरवाइजर इसमें हेल्प करते खोजने में, तो आप लोग एक्सक्यूज करोगे तो करते रहो, जीवन भर करते रहोगे। यहाँ पे रूम के लिए आपको 1500 रुपए का एडवांस पेमेंट लगता है, क्योंकि जो 1200-1300 वाला रूम था वो फुलफिल हो गया है, तो 1500 रुपए का एडवांस पेमेंट लगता है, जिसमें कम से कम आप 2 महीने काम करोगे और छोड़ के कंपनी आओगे तो वो पैसा रिफंड हो जाएगा, 500 रुपए कट करके 1000 रुपए रिफंड हो जाता है, 500 रुपए रूम के मेंटेनेंस के लिए कट होता है, तो 1000 रुपए रिफंड फिर भी कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट 1500 है, लेकिन रूम का रेंट जो पड़ेगा 1000, 1100, 1200 मैक्सिमम, 1200 के अंदर में ही रूम का रेंट पड़ेगा, 1100, 1200 ऐसे रूम का रेंट पड़ता है, एक रूम में 5 से 6 लोग रहते हैं मैक्सिमम, तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। रूम नॉट फ्रॉम कंपनी साइड, सुपरवाइजर हेल्प रेंट पे कैंडिडेट। अब वहाँ पे भाई सिटी एरिया है, जैसा रूम खोजोगे वैसा मिलेगा, आपको पता है ना कि यहाँ पे सिटी एरिया है, पूरा बेंगलोर एक्सपेंसिव शहर है माना जाता है, तो यहाँ पे जैसा रूम खोजोगे वैसा मिलेगा। जैसा रूम मतलब क्या कि आप 10,000 रुपये वाला रूम खोजोगे फिर भी मिलेगा, सारे लोग इंटरेस्टेड है। अभी शादाब सर को भी कॉल कीजिए, मेरा 33 वाला नंबर जो कि अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरा टेलीकॉलर टीम हैंडल नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद प्रेजेंट हूँ, तो आप लोग मुझे भी कॉल कीजिए, शादाब सर को भी कॉल कीजिए, टिकट कॉन्फर्मेशन फॉर्म मिलेगा, आप लोग टिकट कराइए और डायरेक्ट शादाब सर को टिकट भेजिए, मुझे टिकट भेजिए और डायरेक्ट आने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग की कोशिश कीजिए, बिल्कुल फ्री में काम मिलेगा, कोई चार्जेस या फीस नहीं लगेगा, लेकिन रूम का रेंट और एक टाइम का खाना पैसा लेकर के आइएगा, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लोग कोई पैसा आपसे लेने वाले नहीं है, आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे, सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाओगे, जैसे 80 कैंडिडेट हुए वैसे आप भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।